हेलो दोस्तों, नमस्कार। अष्टम पॉइंट चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ मैंने रेलवे स्पेशल वाले लोगों के लिए बनाई है। कुछ लोग हमसे डिमांड किए थे रेलवे स्पेशल वीडियो बनाने के लिए, तो चूँकि उसमें क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो बहुत टफ वाला नहीं होता है और सिंपल सिंपल क्वेश्चन वन लाइनर पूछा जाता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो सही आंसर आपका है मसूड़ों को। पायरिया रोग मसूड़ों को प्रभावित करता है। दूसरा क्वेश्चन है, नीलाथोथा का सूत्र क्या होता है। नीलाथोथा का सूत्र क्या होता है? कॉपर सल्फेट, CuSO4 इसका सूत्र होता है। वीडियो पॉज करके आप लोग एकदम चाहेंगे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो नीला थोथा जिसको कॉपर सल्फेट भी कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है? CuSO4 कॉपर सल्फेट। तीसरा क्वेश्चन है कि हरित चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग की दिखाई देगी। अगर आपने हरा रंग का चश्मा पहना हुआ है और किसी लाल वस्तु को देखना चाह रहा है तो उसका कलर क्या दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। तीसरा पॉइंट है, फाइदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है। तो देखिए, समुद्र की गहराई होती है उसको नापने के लिए फाइदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, गैस इंजन की खोज किसने की थी। तो ये चार्ल्स ने की थी। गैस इंजन की खोज किसने की थी? चार्ल्स ने की थी। अगला पॉइंट है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। सबसे छोटी ग्रंथि मतलब है कि इससे हार्मोन वगैरह निकलता है, तो ये सबसे छोटी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला पॉइंट है, किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है। तो आपने देखा होगा किडनी, जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो चूँकि किडनी का शरीर में काम क्या है? फिल्टर करना। जो भी हम लिक्विड लेते हैं, पानी पीते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे ब्लड में जाता है और वहाँ से किडनी के माध्यम से फिल्टर होके बाथरूम के रूप में निकल जाता है। तो किडनी क्या करता है, जो गंदगी होती है गंदगी को साफ करके ब्लड को फिर वापस कर देता है शरीर में और गंदगी को निकाल के बाहर कर देता है। तो ये किडनी काम करती है। लेकिन जैसे ही किडनी ख़राब होती है तो उसको आर्टिफिशियल तरीके से जो हमारे शरीर में पानी बनता है उसको फिल्टर करने के लिए डायलिसिस किया जाता है। तो किसकी चिकित्सा में डायलिसिस किया जाता है? यानी कि गुर्दे की चिकित्सा में। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो ये वर्ष 1977 में की गई थी। अगला पॉइंट है, अल्जाइमर रोग। अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे रक्षा मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, उनकी डेथ हुई है, तो उनकी मृत्यु जो हुई है अल्जाइमर रोग के कारण ही हुई है। तो अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है कि इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, वह किसी काम को याद नहीं रख पाता है, कोई काम सही तरीके से कर नहीं पाता है, कुछ करना कुछ जाता है, होता कुछ है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है अल्जाइमर रोग में। अगला पॉइंट देते हैं, आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है। जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में जो भोजन होता है वो कितने घंटे तक रहता है? वो 3 घंटे तक रहता है। अगला पॉइंट देखते हैं, मनुष्य के रुधिर का पीएच मान क्या होता है। देखिए, पीएच मान हमेशा पूछता है, तो पीएच मान को थोड़ा सा बता देते हैं। पीएच मान क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, किसी भी लिक्विड में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ही पीएच कहलाता है। तो मनुष्य के रुधिर का पीएच क्या होता है? 7.4 होता है, बिल्कुल याद रखेंगे। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है शरीर की? तो इसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। अगला पॉइंट है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? RBC, हमारे ब्लड में RBC होती है, WBC है और कॉर्पल्स होते हैं, RBC, WBC। तो हमारे शरीर में RBC का जीवन काल क्या होता है, मतलब ये कितने दिन तक जिंदा रहती है एक RBC हमारे शरीर में? तो होती है 120 दिन। इसीलिए ब्लड डोनेट करने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मान के चलिए कि आपके शरीर में जो भी ब्लड है वो 120 दिन में वो नया बन जाता है, यानी कि वो पुराना ख़त्म हो जाता है। तो 120 दिन में ये RBC हमारी समाप्त हो जाती है। तो इसका जीवन काल क्या होता है? 120 दिन होता है। आत्मघाती शैलियों के नाम से जाना जाता है, इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं, लाइसोसोम को। इंग्लिश में आ जाता है सुसाइड बैग, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका है? तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग आत्मघाती शैलियों का नाम दिया गया है। अगला पॉइंट है, एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना कहलाती है। तो देखिए, अलग अलग क्या होती हैं वो कोशिकाएं होती हैं, लेकिन जब जैसे ही ये मिल जाती हैं ये क्या बनकर तैयार हो जाती हैं? ये टिश्यू के रूप में विकसित हो जाती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, नमक का सूत्र क्या होता है। नमक का सूत्र क्या होता है जानना चाहिए आपको। नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नमक का सूत्र होता है।
अगला पॉइंट देखते हैं, जल का बर्फ में बदलना क्या कहलाता है। अगर जल बर्फ में बदल जाता है तो चूंकि देखिए उसका भौतिक बाहरी परिवर्तन हो रहा है कि पहले लिक्विड था अब ठोस हो गया, तो इसका ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जब जल ऐसी अवस्था में बदल जाए कि उसकी उसका जो नेचर है अंदर की क्वालिटी क्या है वो क्या है, वो पूरी तरह चेंज हो जाए तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो ये हाइपोथैलेमस है। शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाया जाने वाला खनिज लवण कौन सा है, NaCl है भाई, नमक। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग गेंगा, थायराइड हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन से, तो उसको उससे निकलने वाले उसकी कमी से होने वाले रोग को हम गेंगा रोग कहते हैं, इसलिए आयोडीन नमक नमक खाया जाता है, आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन बेसिकली एक केमिकल होता है जो नमक में मिला होता है। अगला पॉइंट है, एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था। एयर ब्रेक मतलब जो हम बाइक चलाते हैं उसमें एयर ब्रेक होता है, उसका आविष्कार किसने किया था, जी वेस्टिंग हाउस ने एयर ब्रेक का आविष्कार किया था। अगला पॉइंट देखते हैं, एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाता है क्या दिखेगा, काला दिखेगा। जैसे मैं अभी जिक्र किया हूँ कि एक हरे चश्मे से अगर लाल चीज़ को देखी जाए तो वो काली दिखेगी, उसी तरह एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो वो भी काला दिखेगा। अगला पॉइंट है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन हमारी बॉडी ऐसा कुछ नहीं कि सेलुलोज की बनी होती है। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है, तो ये अग्नाशय है, ये पैंक्रियाज होती है, इसका नाम इंग्लिश में पैंक्रियाज गल ग्लैंड है जिसको अग्नाशय कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि हाथी में जो बाहर के दांत दिखते हैं, जो हाथी आपने देखा होगा उसमें दो दांत दिखाई देते हैं, तो वो दांत उन दांतों का क्या नाम होता है, तो उसे कृंतक दांत कहते हैं। हमारे शरीर में देखिए कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, ये सारे दांतों के हिंदी में नाम है, मोलर, प्री मोलर, इंसाइजर, कैनाइन, ये सारे दांतों के इंग्लिश में नाम है। तो ये हाथी में जो बाहर के दांत दिखे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कृंतक दांत कहलाते हैं। अगला पॉइंट है, पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, पित्तरस। देखिए हमारे शरीर में जो बाइल पिगमेंट होता है उसे पित्तरस कहते हैं, जिसको पित्ताशय से गल ब्लैडर के माध्यम से निकाला जाता है, ये निकलता है अपने आप, तो ये पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पे हुई, तो जल में हुई। अगला पॉइंट है, कोशिका की शक्ति क्रिया है माइटोकांड्रिया। देखिए जिस तरह हमारे शरीर में जिस तरह हम भोजन अपने शरीर को भोजन देने के लिए हम खाना खाते हैं किचन में जाके, उसी तरह शरीर के लिए जो ऊर्जा बनती है वो कहाँ बनती है, किचन की तरह, यानी कि माइटोकांड्रिया। तो शरीर का किचन ग्रह घर भी कहा जाता है इसको, किसको कहा जाता है, माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। यानी कोशिका को जो भोजन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, माइटोकांड्रिया से मिलता है। अगला पॉइंट देखते हैं, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डूबे ने की थी। अगला पॉइंट है, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती है, तो ये केंद्रक नहीं पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, लाल रक्त कणिका होती है, RBC, अभी चर्चा मैंने किया RBC का। अगला पॉइंट है, मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं, आहार काल की कोशिकाएं, आहार नाल, जो हम खाना खाते हैं जिस नली के माध्यम से भोजन हमारे शरीर में जाता है उसे आहार नाल कहते हैं। अगला पॉइंट है, कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो ये 1% होती है, कितनी होती है, 1% होती है। मानव शरीर में पाए जाने वाली अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 20। ये पीसीएस में भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि मानव शरीर में कितनी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो ये 20 पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, किडनी, सॉरी लीवर, इसको लीवर कहते हैं, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला पॉइंट है, भोजन के प्रमुख अवयव हैं, यानी कि फैट भी है, प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है। अगला पॉइंट है, उच्च श्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो ये 17% होती है। अगला पॉइंट है, मनुष्य में 1 मिनट में सांस दर होती है, 1 मिनट में कितनी बार वो सांस लेता है, तो 12 से 18 बार लेता है। अगला पॉइंट है, बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं, तो बिच्छू में जो श्वसन अंग होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको पुस्त फुफ्फुस कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, जन्म के समय
शिशु में श्वसन दर कितनी होती है? तो 35 बार प्रति मिनट, 1 मिनट में 35 बार वो बच्चा क्या करता है, श्वसन करता है, सांस लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन दर सबसे कम होती है, तो ये सोते समय क्या होती है, श्वसन दर सबसे कम होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, वायुमंडलीय हवा का समुद्री तल पर कुल दाब कितना होता है? तो आपने देखा होगा 760, ये पारे के दाब के बराबर होता है, 760 मिलीमीटर। तो वायुमंडलीय हवा का समुद्री तल पर कुल दाब कितना होता है? 760, ये पारे के दाब के बराबर होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के की उपस्थिति के कारण हमारा ब्लड क्या होता है, क्लॉट नहीं होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, मनुष्य का हृदय कितनी कोष्ठीय होता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, UPPCS तक मैंने देखा है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि वर्ल्ड लर्नर पूछ देते हैं, बाकी तो आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, बस पॉइंट वाइज क्वेश्चन आते आते हैं। तो क्या पूछ रहा है, मनुष्य का हृदय कितनी कोष्ठीय होता है, यानी कि 4 कोष्ठीय होता है, और आपने देखा होगा ऑरिकल वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल राइट और वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे होता है, आलिंद और निलय, 2 कक्ष ऊपर 2 कक्ष नीचे। तो इसको हम मनुष्य का हृदय कितनी कोष्ठीय होता है, 4 कोष्ठीय होता है। अच्छा, सार्वत्रिक रक्तदाता समूह है ओ, देखिए ओ दुनिया में किसी को भी ब्लड दे सकता है, और ए बी जो होते हैं वो किसी से ब्लड ले सकते हैं। रीज़न क्या होता है कि ए बी में ओ में दो चीज़ होते हैं, देखिए पहले तो आपको जान लेना है एंटीजन और एंटीबॉडी, थोड़ा जगह यहाँ पे कम है तो मैं थोड़ा सा विस्तार से बता देता। एंटीजन और एंटीबॉडी शरीर में होते हैं, तो ओ में क्या होता है, केवल एंटीबॉडी होते हैं, एंटीजन नहीं पाया जाता है, यानी कि ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है, ओ केवल एंटीबॉडी पाया जाता है, इसलिए यह ब्लड किसी को दे सकता है। और ए बी में क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं पाते हैं, केवल ए बी एंटीजन होता है, इसलिए ये ब्लड किसी से ले सकता है। उसी तरह ए में क्या होता है, एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है। उसी तरह बी ग्रुप में क्या होता है, एंटीबॉडी बी ए होती है और एंटीजन बी होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है, यहाँ स्पेस नहीं है, समझाने थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बार बार मार्कर को रिमूव करना पड़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, हृदय की स्पंदन की जांच करने की एक प्रक्रिया कही जाती है ECG, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में ECG की जाती है। ECG का पूरा क्या नाम है, मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ इसमें क्योंकि जगह कम पड़ जा रही है। ई से इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सी से कार्डियोग्राम हो गया, सीजी से इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम। हृदय की स्पंदन की जांच करने के लिए ECG की जाती है। आगे देखते हैं, रक्त का नेचर क्या होता है, वो क्षारीय होता है, क्योंकि pH इसका क्या होता है, जब 5 से ऊपर जब pH होता है तो उसको क्षारीय कहते हैं, जब नीचे होता है तो उसको अम्लीय कहते हैं। मैंने pH की परिभाषा बता दी है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब बढ़ता जाता है तो उसी को pH मान कहते हैं, 7 से 5 से अधिक मतलब कि क्षारीय, नीचे अम्लीय। तो जो रक्त का नेचर क्या होता है, 7.4 pH आपने देखा, तो उसका नेचर क्या है, क्षारीय है। स्फेग्नोमीटर से क्या नापते हैं, रक्तदाब, जो आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं तो डॉक्टर आला लगाता है और आपके हाथ में एक पट्टा बांधता है और एक हाथ में अपने हाथ में दूसरे हाथ में बबल लेके उसको बार बार पुश करता है, जिससे शरीर में उस पट्टे में हवा भरती जाती है, तो वो स्फेग्नोमीटर होता है जिससे रक्तदाब, ब्लड का हमारा प्रेशर नापा जाता है। अब तो बड़ा वो डिजिटल वाला भी आ गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, एंटीबॉडी का अभाव होता है, मैंने देखिए बताया अभी कि ए बी जो होता है ग्रुप, ब्लड ग्रुप, उसमें एंटीजन ए बी होता है और एंटीबॉडी नहीं कोई पाया जाता, इसीलिए ब्लड सबसे ले सकते हैं, दे नहीं सकते हैं किसी को। और ओ में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, एंटीजन उसमें नहीं पाए जाते हैं, केवल एंटीबॉडी पाए जाते हैं, इसीलिए सबको ब्लड दे सकता है वो, तो यूनिवर्सल डोनर इसीलिए कहा जाता है, यानी कि सार्वत्रिक रक्तदाता सबको ब्लड दे सकता है। और ए बी क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर है, यानी कि सबसे ब्लड ले सकता है। तो आइए आगे देखते हैं, शरीर में रोग प्रतिरोधक के लिए जिम्मेदार होता है, कौन सा होता है, तो WBC होती है। WBC क्या करती है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है, वाइट ब्लड कॉर्पल्स WBC। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? सपोज कि आपने बाथरूम या बाथरूम के माध्यम से
उसमें क्या है, ग्लूकोज की मात्रा एग्जिट हो रही, निकल रही है, तो ये संकेत है किसका, मधुमेह का, डायबिटीज़ का ये संकेत है। अगला पॉइंट देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, 1400 ग्राम का भार होता है मनुष्य के मस्तिष्क का। अगला पॉइंट देखते हैं, कोहनी की संधि होती है, तो कोहनी की संधि, संधि में देखिए कई संधियाँ होती हैं, अवटु संधि होती है, कोर संधि होती है, और भी कई संधियाँ होती हैं, तो कोहनी जो हाथ में कोहनी संधि होती है वो कौन सी संधि होती है, कोर संधि होती है उसको कहते हैं। आगे पॉइंट देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो स्टेपीज होती है जो कान में पाई जाती है। अच्छा एक चीज़ और है कि कान में तीन तीन भाग होते हैं, एक आंतरिक भाग, ये बाह्य भाग और ये मध्य भाग। तो ये क्वेश्चन हमेशा तो यही पूछता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो ये स्टेपीज होती है, कान में पाई जाती है। लेकिन ये हो पूछने की संभावना ज़्यादा है कि स्टेपीज कान के किस भाग में पाई जाती है, तो ये मध्य भाग में पाई जाती है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो सबसे मध्य भाग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, तो फीमर है, बिल्कुल याद रखना इसको, स्टेपीज सबसे छोटी और फीमर सबसे बड़ी। अगला पॉइंट है, मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है। मेरुदंड मतलब जो अपने कपाल देखा होगा, पूरा कपाल नीचे से ऊपर तक होता है, उसको मेरुदंड कहते हैं। मेरुदंड का मतलब होता है कि ऐसा दंड जिसके माध्यम से पूरी शरीर टिकी हुई है, बिल्कुल एक ढांचा है, उसी पे हमारी शरीर टिकी हुई है, तो उसको मेरुदंड कहते हैं। तो इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो इसमें 33 हड्डी होती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि हमारे शरीर में, जिस तरह हम अपनी घड़ी का इस्तेमाल करते हैं अपने समय देखने के लिए, हर अपनी प्रक्रिया अपनी गतिविधि को डिसाइड करने के लिए, उसी तरह शरीर में भी एक जैविक घड़ी होती है। उसका कार्य क्या है, या उस घड़ी का कार्य करने वाली कौन सी ग्रंथि है, तो वो पीनियल ग्रंथि है, याद रखना बिल्कुल, पीनियल ग्रंथि। अगला पॉइंट देखते हैं, BMR नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, बॉडी मास रीडर होता क्या था, इसका पूरा नाम मैं बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अस्तनी में BMR नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, वो ये थायरॉक्सिन है। अस्तनी में जो BMR नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, थायरॉक्सिन है। तो BMR का पूरा नाम है बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसको BMR कहते हैं। और बेसिकली देखिए थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूँ कि BMR क्या होता है। तो BMR उस कैलोरी की मात्रा है जो हमारे शरीर की आंतरिक दैनिक क्रियाओं के सही तरीके से पूरा करने के लिए ज़रूरी होती है, यानी कि हम जो पर डे काम करते हैं और उस कार्य को करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को मापने वाला ये सिस्टम है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। यहाँ दैनिक क्रियाओं से मतलब क्या है कि हम सांस लेते हैं, पाचन क्रिया करते हैं, सोते हैं इत्यादि से है। और आपको यहाँ बता दें कि एक व्यक्ति को एक दिन में औसतन 1500 से लेकर 2000 कैलोरी तक की आवश्यकता होती है, एक दिन में एक आदमी के लिए 1500 से 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। BMR इन कैलोरी की गणना का कार्य करता है, और आसान भाषा में कहा जाए तो ये BMR ही हमारी बॉडी के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, नारी विकास हार्मोन होता है, कोई पैदा होने के बाद कोई भी बच्चा तत्काल न तो पूरी तरह मेच्योर मेल बन पाता है, ना ही फीमेल बन पाता है, उसमें धीरे धीरे सारे लक्षण हार्मोनल ग्रो करते हैं। बच्चा बड़ा होता है तो अगर लड़का होता है तो दाढ़ी मूंछ भाषा बोल चाल बोलने का टोन बोलने में जो उसकी जो का जो उसका रेजोनेंस होता है वो सारा चीज़ चेंज हो जाता है। उसी तरह लड़कियों में भी होता है, तो जो लड़कियों में विकास का कारण होता है वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। अगला पॉइंट देखते हैं, भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है कौन सा है, गोइटर यानी कि घेंघा रोग। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है मेंढक, जिसमें इसमें थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, प्राइमरी कंज्यूमर, द्वितीयक कंज्यूमर और थर्ड कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर मतलब है कि जो बिल्कुल शाकाहारी होते हैं, द्वितीयक में जो है कि शाकाहारी और मांसाहारी सारे होते हैं, और तृतीयक में है वो सबको खा लेता है, जिसमें मनुष्य सबसे नंबर वन पे आता है। तो द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है मेंढक। अगला पॉइंट देखते हैं, मानव शिशु में अशुग्रंथियाँ सक्रिय होती हैं, जब भी कोई बच्चा होता है तो कितने माह के बाद, आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा कितना भी रोता है लेकिन उसके आंसू नहीं निकलते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद, थोड़ा सा आपने वॉच किया होगा, कुछ महीने के बाद ये क्या होता है, उसकी अश्रुग्रंथियाँ यानी कि रोने पे उसके आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, तो अश्रुग्रंथियाँ उसकी क्या होती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, तो ये जन्म के 4 माह के बाद। अगला पॉइंट देखते हैं, ग्वारपाटा किस आवास में पाया जाता है। ग्वारपाटा एक जंतु है, और कहाँ पाया जाता है, मरु आवास यानी कि मरुस्थली क्षेत्र में ये पाया जाता है।
अगला पॉइंट देखते हैं, मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे, तो ये मटर पे किया था। बरगद एक आवृतजीवी पेड़ है, पौधा है। पादप भोजन बनाने में गैस ग्रहण करते हैं, तो जब भी देखिए जिस तरह हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए, उसी तरह पौधों में क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन के स्थान पे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, यानी कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। उसी तरह पौधे क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि पेड़ ढेर सारे लगाओ ऑक्सीजन पाओ, लेकिन सब कुछ तो उल्टा चल रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, निम्न में से किस में कायिक जनन होता है। कायिक जनन में तो कौन कौन सा है, पत्थरचट्टा है, आलू है और गुलाब है। तो कायिक जनन में थोड़ा सा बता दूँ आपको यहाँ पे क्या होता है कि जब भी किसी पौधे को उगाने के लिए उसके फल को काट के उसको उगाया जाए या उसी के माध्यम से उसका उत्पादन किया जाए, तो उसको हम कायिक जनन कहते हैं। जैसे देखिए गुलाब, आलू में क्या होता है, आलू को काट के आप खेत में बीजारोपण करते हैं, उसी तरह गुलाब का पेड़ क्या होता है, गुलाब को ही काट के, ऐसा नहीं कि बीज से तैयार होता है, गुलाब की कलम बनाई जाती है, गुलाब के पेड़ को काटा जाता है तेजे रूप में और काट के उसकी कलम बना के पौधरोपण किया जाता है, तो ये कायिक जनन होता है। अच्छा, पुष्प में जननांग है, फूल होते हैं उसमें मेल और फीमेल दो प्रकार के फूल होते हैं, तो एक को पुंकेसर कहते हैं, यानी कि मेल जो पुष्प होता है मेल वाला उसको पुंकेसर कहते हैं, और जो फीमेल वाला फूल होता है उसको जायांग कहते हैं। इसकी इंग्लिश होती है एंड्रोसियम, इसकी इंग्लिश होती है एंड्रोसियम, और जो जायांग उसकी इंग्लिश क्या होती है, गाइनोसियम होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, ट्रिप्नोसोमा से होने वाला रोग है, तो ये निद्रा रोग है। ट्रिप्नोसोमा कौन सा रोग है, निद्रा रोग है। बेग कैसी राशि, अगला पॉइंट है आपका और अंतिम पॉइंट है, बेग कैसी राशि है, तो ये सदिश राशि है। मैं थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे सदिश और अदिश में अंतर, ये सदिश राशि है, यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसके लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसको सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता उसे अदिश राशि कहते हैं, यानी कि दिशा का परिमाण उसमें नहीं होता है। तो वेग कौन सी राशि, देखिए वेग जब हम चलते हैं दौड़ते हैं तो इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है, तो इसको हम सदिश राशि कहते हैं। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।